लिख रहा हूँ। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, स्वर होते हैं आपने तीन क्वेश्चन है सही उत्तर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो अपने भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, स्वर है या व्यंजन है? तो क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं? कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। ये और स्र है, स्वर अयोगवाह या संयुक्त व्यंजन? तो क्या है, स्वर होते हैं या अयोगवाह होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो त्र ये और स्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो मैंने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या हो गया? सही आपने सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। स्वर कितने होते हैं? 11 है। सत्र की ओर से क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विशेष करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए।
मैं निषेध करना आपको, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ फुलवारी। सेकंड है अपना आदमी, थर्ड है अपना दीपावली। इनका आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद कैसे करना है कल बताया था मैंने आपको, जैसे कुमार का मैंने आपको बताया था, आपको तो कैसे बताया था, जैसे क प्लस उ प्लस मैं प्लस आ प्लस व प्लस है, ऐसे ये वर्ण विच्छेद होता है। इसी प्रकार आपको किन का करना है, फुलवारी का, आदमी का और दीपावली का क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। ये अपना होमवर्क रहेगा। थैंक यू। सही के सामने सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सेकंड क्वेश्चन है अपना स्वर होते हैं, स्वर होते हैं इलेवन। स्वर पहला है, स्वर सेकंड है, अयोग हुआ है, अयोग हुआ है, तीसरा सेवंथ बन गया, तीसरा क्या है संयुक्त व्यंजन। तो ये आपने तीन क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो अपने भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, स्वर है या व्यंजन है। तो क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण। स्वर कितने होते हैं, इलेवन होते हैं, ट्वेल्व होते हैं, थर्टीन होते हैं, कितने होते हैं इलेवन, कितने होते हैं इलेवन। सर त्र गे और स्र है, स्वर अयोग या संयुक्त व्यंजन। क्या है स्वर होते हैं या अयोग होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो सर त्र गे और स्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है संयुक्त व्यंजन है। तो मैंने यहाँ पे
सिंह लगा दिया, तो पहला क्वेश्चन अपना क्या हो गया, सही आपने सही उत्तर के सामने सही का सिंह लगाना है। तो भाषा के शब्द जो होती है क्या है, वन है, स्वर कितने होते हैं इलेवन है, सत्र की ओर से क्या है संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, वर्ण विच्छेद करना आपको, जैसे मैं आपको दे रहा हूं फुलवारी, सेकंड है अपना आदमी, थर्ड है अपना दीपावली, इनका आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद कैसे करना कल बताया था मैंने आपको, जैसे कुमार का मैंने आपको बताया था, तो कैसे बताया था, जैसे क प्लस उ प्लस मैं प्लस आ प्लस वे प्लस है, ऐसे ये वर्ण विच्छेद होता है। इसी प्रकार आपको किन का करना है, फुलवारी का, आदमी का और दीपावली का क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। ये अपना होमवर्क रहेगा। थैंक यू।